हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किचन क्वीन आरके में। आज मैं आपके लिए इडली की रेसिपी लेके आई हूँ। इडली कैसे बनाते हैं मैं आपको आज सिखाऊंगी। और आप सांभर बनाना चाहते हो तो मैंने पहले से ही अपनी आईडी पे वीडियो को अपलोड कर दिया है, सांभर का वीडियो। आप मेरी आईडी में जाके चेक कर सकते हैं। और आप इडली बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए। चावल कम से कम 500 ग्राम तक है। और 1 कप उड़द की दाल लेंगे, वो 250 ग्राम है। मिक्स करेंगे, पानी ऐड करेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर से दूसरा पानी ऐड करके इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। आप देख सकते हो, इसको ढक के हम रख देंगे। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, चावल अच्छे से भीग गए। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे चावल और दाल जो हमने भिगोई थी वो। बटर मिल्क यूज़ करेंगे हम, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है हमें। यहाँ पे बटर मिल्क का यूज़ करना है। उसे हम 1/2 कप जितना ऐड करेंगे और इसका हम अच्छे से बैटर बना लेंगे। बहुत हमें पतला बैटर नहीं करना है, थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है। ऐसे ही सारा बैटर रेडी कर लेंगे। अब देख सकते हो सारा बैटर रेडी हो चुका है। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अब हम इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का बैटर हो चुका है। एकदम स्मूथ और बढ़िया बैटर बन के रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रवा। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम रवा लिया है। इसमें ऐड करेंगे खाने का सोडा, वो हम 1 चम्मच ऐड करेंगे खाने का सोडा इसमें। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक यूज़ किया है क्योंकि ये बैटर है वो 1 kg का हो गया है। 1 किलो बैटर रेडी है। इसमें कम से कम 12 से 13 आदमी आराम से खा सकते हैं। आप देख सकते हो खाने का सोडा डालते ही एकदम बैटर में बुलबुले होने लगे हैं और हमारा बैटर अच्छे से एकदम रेडी है। हम इसे ढक के कम से कम वापस 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो बैटर है वो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो जाए। इडली पैन ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे पानी और 1 लेमन जूस ताकि जो इडली पैन है वो ख़राब ना हो। 1 घंटा हो चुका है, हमारा बैटर है वो अच्छे से रेडी है और रवा है वो अच्छे से भीग के फूल गया है, आप देख सकते हो। और एकदम बैटर स्मूथ और जो हमने खाने का सोडा डाला था उससे फूल भी गया है। अब इडली प्लेट ले लेंगे, उसमें तेल से अच्छे से ग्रीश कर लेंगे ताकि जो इडली है वो प्लेट में चिपक ना जाए। बैटर ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ही बैटर ऐड करेंगे इस तरह। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि जब इडली बनके रेडी होगी तो उसमें खाने का सोडा है तो वो फूलेगी। ऐसे ही दोनों प्लेट मैंने यहाँ पे भर लिए। अब हम इसको स्टीम करने के लिए स्टीमर में रख देंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसमें इडली पैन रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट तक इडली को कुक होने देंगे।
15 से 20 मिनट हो चुकी है, इडली अच्छे से कुक हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। इडली ठंडी हो चुकी है, आपको इडली पक गई या नहीं वो आपको चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। हमारी छुरी एकदम साफ निकली है इसलिए हमारी इडली पक चुकी है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम स्मूथ और बढ़िया इडली बनके रेडी है। इडली प्लेट में भी कहीं भी इडली चिपकी नहीं है, एकदम बढ़िया और पूरी इडली निकली है और एकदम स्मूथ भी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे ही सारी इडली मैंने निकाल ली है। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम बढ़िया इडली बनके रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। इडली बनके रेडी है, आप इसे सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने पहले से ही नारियल की चटनी और सांभर की रेसिपी अपलोड कर दी है, आप मेरी आईडी में जाके चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।